दोस्तों आप देख सकते हैं इस हार के अंदर दो ड्राइवर भाई हैं, उन्होंने जो है बिल्कुल प्रदर्शन करते हुए अपने एक अधिकार के लिए गोपाला काम सरकार ने एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का कानून लाए है। इसके विरोध में सभी चालक भाई चिकन वास टोल प्लाजा पर पहुंचे और काले कानून का विरोध करेंगे, इसके लिखा हुआ पोस्टर पर। बाकी अब हम यहाँ से क्या करेंगे, बाकी हम यहाँ से अब जानकारी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, क्या नाम भाई साहब? कुलदीप कापड़ो भाई साहब। कुलदीप कापड़ो, तो भाई साहब जो ये काला कानून आप बोल रहे हो लेके आए, आपको मतलब इसमें क्या लगता है, क्या गलत? सारी चीज गलत है भाई साहब, इसमें बताओ माँ मेरा फिर कड़े से भरेंगे, कड़े सजा भुगतेंगे, हमारे बालक भूखे मरेंगे इसमें, तो भाई कब से गाड़ी चलाऊंगा मैं? बताओ की गाड़ी चलाते हो क्या? नहीं ड्राइवरी करते भाई साहब। ड्राइवरी करते हो, कितनी सैलरी? सैलरी का यार 10,000 भी सैलरी है, 10 में भी 5 लाख रुपए करते भर जाएंगे यार मामी। मतलब जो बेरोजगारी थी उसपे भी गणे तंग हो गए यार भाई, ये गाड़ी छोड़े गए मतलब मामला छोड़ना पड़ेगा भाई साहब, काम में जय भाई इसलिए कोई चाय की दुकान कर लेंगे भाई मामे। बोलिए भाई साहब, ये धंधा मतलब छोड़ना पड़ेगा, ऐसी स्थिति है कि ड्राइवरी लाइन छोड़नी ही पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी यार, छोड़नी पड़ेगी भाई। ड्राइवर ना छोड़ने की बात बताओ, अगर जे मार दो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए तो मैं काम कराएंगे यार, रोड पे दिख रहा है तो मौत का मुंह मरना है मामे यार। पर एक मिनट की तसल्ली है, वो बदमाश है जो मार दे मारे कोई भी, रोड पर उसने करके कौन पूछते होंगे यार, वो ड्राइवर थप्पड़ मार जाए यार, किसी का हॉर्न भी मार दिया, वो भी गाली दे रहा हमने यार, गाली बहनों ने इस चीज का यार, इसे भय नहीं मारी रोड पर, पहले नहीं दी चीज भाई। इस वीडियो ने इतनी शेयर कर दी हो, इतनी जो ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कर दी, ड्राइवर भाई को प्रदर्शन कर दिया, आप देख सकते हैं।